अगर आप सोमवार के व्रत करते हैं तो फिर इस व्रत की कथा को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। कथा का महत्व या इम्पोर्टेंस ये होती है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी तो भरती ही है, साथ ही इसे सुनने और दूसरों को सुनाने से आपको शिवजी और देवी पार्वती की कृपा भी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं सोमवार व्रत कथा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल धर्मा लाइफ को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सारी कथाएं और जानकारी हम आप तक हर रोज पहुँचा सकें। अब बढ़ते हैं कथा की ओर। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका नाम था अमरपुर, जहाँ एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, धान्य, वैभव, ऐश्वर्य किसी चीज की कमी नहीं थी, बस एक चीज को छोड़कर, वो था एक अपना बेटा। व्यापारी ने बहुत सारी मन्नतें मांगी, बहुत सारी मेहनत की, यज्ञ किए, पूजा और दान किया, मगर घर में बच्चे का सुख वो नहीं देख पाया। इसी कारण उसके मन में बहुत संताप था और वो हमेशा बुझा बुझा और दुखी रहता था। वो रात दिन इसी चिंता में रहता था कि कौन उसके इतने बड़े व्यापार के साम्राज्य को संभालेगा। व्यापारी बहुत बड़ा शिव भक्त भी था, तो वो अपने सारे दुख दर्द लेकर हर सोमवार को मंदिर जाया करता और वहाँ पर शिव और पार्वती के आगे घी का दीपक जलाते हुए अपने दुख को बतलाता था। उसके दुख को देखकर माता पार्वती को ममता जाग गई और उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस व्यापारी के दुर्दिन दूर कीजिए, इसे एक पुत्र दे दीजिए। मगर शिवजी ने कहा, देवी, इस व्यापारी की कुंडली में पुत्र योग है ही नहीं, मैं कैसे विधि का विधान मिटा दूं? मगर पार्वती बार बार जिद करती रही। उन्होंने बोला, आप तो इतने बड़े भगवान हैं, ये बेचारा कितनी आस लेकर आपके पास आया है, थोड़ी तो दया दिखाइए, इस दुखियारी की सुन लीजिए और इसे एक पुत्र दे दीजिए। भगवान, ये तो हर सोमवार आपकी पूजा करता है, आपके लिए विधि विधान से व्रत भी रखता है, दान भी करता है, इसकी भी बात अगर आपने नहीं मानी तो लोग क्या समझेंगे कि आपने अपने इतने बड़े भक्त को खाली हाथ वापस भेज दिया। तब शिवजी का मन पिघला और उन्होंने कहा, ठीक है, इससे पुत्र होगा, मगर वो केवल 16 वर्ष तक ही जिएगा। पार्वती केवल मुस्कुराई और उन्होंने हामी भर दी। इसके बाद शिव ने उस व्यापारी को एक दिव्य स्वप्न दिया। उन्होंने उस स्वप्न में माता पार्वती के साथ उसे दर्शन देकर कहा कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, मगर ध्यान रहे कि वो केवल 16 वर्ष जिएगा। व्यापारी सपने से चौंक कर उठ गया। उसने अपनी पत्नी को पुत्र होने की बात तो बताई, मगर उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी, ये उसने किसी को नहीं बताया। वो पहले की ही तरह शिवजी और माता पार्वती की पूजा अर्चना करता रहा। कुछ समय बाद, जैसे शिवजी ने कहा था, उसे एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ। वो लड़का तीव्रता से बड़ा हुआ और सबका चहेता बन गया। ऐसे रूपवान और गुणवान बालक से हर किसी को प्रेम हो गया, मगर व्यापारी के मन की चिंता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। लड़का जैसे ही कुछ और बड़ा हुआ, व्यापारी ने उसके मामा को बुलवा भेजा। उसने लड़के के मामा से कहा, मेरे बेटे को आप गुरुकुल ले जाइए, वहाँ इसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा होगी। मैं बस एक अनुरोध करूंगा आपसे कि रास्ते में आप इसके लिए यज्ञ और दान करवाते हुए जाइएगा। मामा गया और लड़के को लेकर गुरुकुल को निकल पड़ा। रास्ते में जैसा बताया गया था, वो यज्ञ और दान भी करता रहा। कुछ दिनों बाद लड़का और उसका मामा राज्य की राजधानी में पहुंचे, जहां राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी बहुत शालीन और सुंदर थी, मगर जिससे उसका रिश्ता तय हुआ था वो असल में एक आंख से काणा था। उस लड़के के पिता को चिंता सताई जा रही थी कि अगर राजा को पता चल गया तो उसे बहुत कड़ा दंड मिलेगा। ऐसे में उसकी नजर जब उस सुंदर लड़के पर पड़ी तो उसने लड़के के मामा से और लड़के से कहा कि केवल मंडप पर राजकुमारी से विवाह कर ले। लड़का राजी हो गया और उसने मंडप पर विवाह करने के लिए हामी भर दी। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई और मंडप पर चेहरा ढककर लड़के को बिठा दिया गया, मगर मंडप में उसने राजकुमारी की चुन्नी के आंचल पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, तुम्हारा होने वाला पति काणा था, इसलिए मुझे मंडप में बिठा दिया गया है, मगर अब मैं ही तुम्हारा पति हूँ, तो तुम किसी और की बातों में मत आना और मेरी प्रतीक्षा करना। शादी करके लड़की विदा हो गई और लड़का भी अपने मामा के साथ गुरुकुल को निकल गया। जब लड़की अपने ससुराल गई तो उसने अपनी चुन्नी पर लड़के की लिखाई देखी। इसे देखने के बाद उसने उस काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। उधर लड़का गुरुकुल पहुंचकर पढ़ाई करने लगा और उसका मामा उसके नाम पर यज्ञ और पूजा करवाता रहा। एक दिन जब मामा अंदर लड़के को लेने उसके कमरे में गया तो लड़का वहां उसे मृत पड़ा हुआ मिला। ये देखकर मामा घबरा गया, मगर उसने पूजा खत्म होने की प्रतीक्षा की और उसके बाद प्रलाप करने लगा। उस समय वहां से शिवजी और पार्वती निकल रहे थे। मामा को यूं प्रलाप करते देख वो रुके और उसके पास पहुंचकर देखा तो जैसे शिवजी ने बताया था, व्यापारी का 16 साल का लड़का वहां मृत पड़ा था। पार्वती से ये देखा नहीं गया और उन्होंने शिवजी से कहा, आप अब इस लड़के और इसके परिवार के दुख को दूर कर दीजिए। शिवजी ने उनकी बात मान ली और लड़का ओम नमः शिवाय बोलकर उठ खड़ा हुआ।
इसके बाद लड़का अपनी शिक्षा खत्म कर अपने मामा के साथ वापस घर को निकला। रास्ते में उसी राजकुमारी का घर आया, जहां पर राजा ने जब इतना सजीला लड़का देखा और उससे सारी आपबीती सुनी तो उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। लड़का जब अपनी पत्नी के साथ मामा संग घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके माता पिता छत पर बैठे उसकी मृत्यु की सूचना की अपेक्षा कर रहे थे। तब उसके मामा ने भाग कर उन्हें बचाया और इस तरीके से उस व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने भरे पूरे घर में अपने बेटे और बहू का स्वागत किया और वर्षों तक शिवजी और माता पार्वती के प्रताप से वो परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। आप भी इस कथा को सुने और औरों को भी सुनाएं, जिससे उनका सावन का सोमवार व्रत पूरा हो सके और आप सभी को भोलेनाथ और पार्वती माँ की कृपा मिले। इसके साथ ही ऐसी और वीडियोस भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे धर्मा लाइफ पर।